बजरंगबल हरिगढ़ के द्वारा आज आतंकवाद का पुतला फूंका गया है, और फूंका इसलिए गया है, आपको जानकारी होगी कल इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा। यह केवल इजराइल की घटना नहीं है, पूरे विश्व में आज जहां भी इस्लाम को मानने वाले लोग जो जिहाद करते हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला के रख दी है। 5000 रॉकेट तो दागे ही, एक महिला इजरायली सैनिक को निर्वस्त कर मतलब मानवता की सारी हदें पार कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इजरायल का समर्थन की बात कही। हम मोदी जी के आह्वान पर सड़कों पर यहाँ इजरायल का समर्थन करने निकले हैं, हमने आतंकवाद का पुतला दहन किया है। और मेरा अनुरोध है विश्व की जो भी ताकतें हैं, विश्व की जो भी सरकारें हैं, जो विश्व को चलाने वाले लोग हैं, आज सबको एकजुट होकर इसराइल का समर्थन करना चाहिए और इस आतंकवाद के कीड़े को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। देखिए, भारत इस इस्लामिक आतंकवाद का सबसे प्रभावित देश है। 712 ईस्वी से लेकर आज तक 2023 तक हमने करोड़ों हिंदुओं को खोया है, उनका कत्लेआम हुआ इसलिए इस्लामिक आतंकवाद के कारण, और ये ऐसा ही कृत्य जो है वो इसराइल के साथ कल हुआ है। हम पूरे विश्व में इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व की शांति के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, और जो हमारे निर्दोष हिंदू करोड़ों मारे गए इस इस्लामिक आतंकवाद के कारण, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत आवश्यक है कि विश्व में इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कल नेतन्याहू ने कहा कि यदि आतंकवादी हथियार डालेगा तो केवल युद्ध समाप्त होगा, लेकिन इसराइल हथियार डालेगा तो इसराइल खत्म हो जाएगा, तो मैं भी देश के राष्ट्रवादियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप सशस्त्र होकर सरकार के साथ खड़े नहीं हुए तो ये सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा युद्ध जो है, जो हमारा संघर्ष है, बहुत भीषण अमानवीय शक्तियों के साथ है। तो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमको भी सशस्त्र और जुझारू बनना पड़ेगा। Murdered!